নমস্কার, আমি বিশ্বজিৎ মহলদার। আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে এক চমকপ্রদ উপহার নিয়ে, রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড বুক নিয়ে। कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा है कि कहता है, अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव, और आज की चर्चा पैसे पर। जी हां, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा माँ की कोख से ही जन्म लेता है। वैसे ही पैसे को सही ढंग से अगर समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट डी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं, और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का, जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हों, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के, आज की जिंदगी के, आज की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब, जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल्स 6 घंटे के 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए, बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत ज़रूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा ज़रूरी है। काश काश कि मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जब पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो ये एक काश, काश कि मैंने ये कर लिया होता। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव, और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड पर। इस किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत पैसा था, और एक जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिताओं को, दोनों डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे, और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे।
बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पे ध्यान दें कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड माना हो, या ये हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के। कुछ भी हो सकता है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया उन्होंने ये कहानी है या काल्पनिक है। असल बात ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे, एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वो दोनों पिता उनका उतने ही शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान निछावर करते थे और हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब। सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नजरिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है, और उसी अंदर के मौसम को हमेशा बनाए रखने, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचें तो कुछ अच्छा तो जरूर होगा। बातें और भी हैं, सुनते रहिए। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड पर। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है। और एक बार এটা ছিল প্রথম এপিসোড। পরবর্তী এপিসোড পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সমস্ত এপিসোড এখানে ফ্রিতে।